हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे कि सिलाई मशीन को किस तरह से यूज़ करें, और स्पेशली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। तो आप ही की तरह मैं भी कभी बिगनर थी, और मुझे जो भी सिलाई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई। शायद वो प्रॉब्लम आपको भी होती हो, तो मैं उसका सोल्यूशन भी आपको बताऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको दबाना होगा जो घंटी वाला बटन है सब्सक्राइब के बिल्कुल बराबर में, उसे। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरी मशीन 12 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। तो इसी मशीन से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब मुझे मशीन चलानी आ गई है, तो इसलिए मैं बहुत आसानी से इसमें अपना वर्क कर लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बताना कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मशीन में। सबसे पहले हमें अपने सूट सिलने के लिए या कुछ भी आप सिलेंगे, तो फिर देखिए यहाँ पर हमें धागा डालना होता है। दो जगह हमें धागा डालना होता है, पहला तो यहाँ पर डालना होता है, और दूसरा देखिए ये बॉबिन है, ये जहाँ पर मैं आपको फिंगर से बता रही हूँ यहाँ पर बॉबिन लगता है। तो बॉबिन से क्या होता है कि नीचे की सिलाई आती है, और जो ऊपर मैंने आपको दिखाया इससे ऊपर की सिलाई आती है। तो देखिए ये बॉबिन है जिसे मैंने हाथ पर लिया हुआ है अभी, तो ये बॉबिन है। और एक बॉबिन का केस मैं आपको दिखाती हूँ, बॉबिन केस जिसे हम कहते हैं, देखिए ये है बॉबिन केस। तो बॉबिन 4 से 5 रुपए की मार्केट में आसानी से मिल जाती है, और जो ये बॉबिन केस है वो 25 to 30 में मिल जाता है। तो ये देखिए ये बॉबिन का जो मैं आपको ये पार्ट दिखा रही हूँ, इसे बहुत ध्यान से देखिए, ये होना ज़रूरी है, वरना फिर आपकी जो बॉबिन है, बॉबिन केस है, वो परफेक्ट नहीं है। तो ये देखिए बॉबिन हम इस तरह से सेट करते हैं बॉबिन केस में, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है। लेकिन उससे पहले हमें इसमें फिल करना होगा धागा। तो धागा बॉबिन में कैसे भरते हैं चलिए बताते हैं। तो देखिए हमने हाथों में लिया है अपनी बॉबिन, और एक हाथ में लिया है हमने थ्रेड। तो मैं यहाँ पर पिंक कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, जिसे हम धागा कहते हैं। तो ये देखिए आप, हमने धागे को इस तरह से लिया और बॉबिन को इस तरह से फिल करना शुरू किया। तो देखिए आप चाहें तो हाथों से भर सकते हैं बॉबिन को, अगर आपके मशीन में बॉबिन भरने वाला ना हो तो। तो देखिए हम हाथों से किस तरह भरेंगे बॉबिन को, ये बहुत स्लिप करता है धागा इस पर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना थंब रख लिया है बॉबिन पर, और अब देखिए भरना शुरू किया है। तो पहले मैं इस साइड से भर रही हूँ बॉबिन को, अगर हाथ से भरना है तो मैं बता रही हूँ आपको। और देखिए अब मैं साइड चेंज कर दूँगी इसका, इस तरह से भरूँगी बॉबिन को। तो इस तरह से करके भी आप बॉबिन भर सकते हैं। और ये देखिए ये जो होता है ये ज़रूरी है मशीन में होना, कई मशीनों में नहीं होता है, तो इससे बॉबिन भरना आसान होता है। तो देखिए यहाँ पर आप हल्का सा एक वायर का हुक देख रहे हैं, इसके अंदर हमने इस तरह से बॉबिन को सेट कर दिया है। और आप देख रहे हैं मेरा थंब जिस पर है, इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे, और मशीन चला रहे हैं फिर भी हमारा धागा नहीं भर रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बॉबिन को बहुत अंदर सेट कर लिया है, बॉबिन को हम थोड़ा सा बाहर करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हमें बॉबिन भरना शुरू करना है, देखिए प्रेस किया हमने थंब से, और देखिए इस तरह से फटाफट हमारी बॉबिन भर जाती है। तो बॉबिन हमारी भर गई है, अब हम बॉबिन को निकाल लेंगे और बॉबिन केस में सेट करेंगे। तो इसका धागा तोड़ लेंगे हम। बॉबिन भरने का तीसरा ऑप्शन भी मैं आपको दे देती हूँ, आपके पास कोई भी एक वायर जैसा हो आप उसे बॉबिन फिल कर लीजिए, और बिल्कुल इस जगह पर रख कर किसी की हेल्प ले लीजिए, और मशीन चलाते रहिए, आपकी बॉबिन भर जाएगी। तो इतना समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, बॉबिन को लगाएंगे जहाँ पर बॉबिन की जगह है वहाँ। पहले हम बॉबिन केस में इस तरह से सेट करेंगे, देखिए हमने अंदर रखा बॉबिन को बॉबिन केस के, और ये धागा पकड़ा और इस तरह से लेकर यहाँ पर आए, और फिर यहाँ इस तरह से हमें धागे को बाहर कर लेना है। देखिए कितना बढ़िया हमारा धागा इसमें सेट हो गया है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं है हमारी बॉबिन, अगर लूज़ होगी तो हमारी बॉबिन नीचे गिर जाएगी। तो हमने बॉबिन तैयार कर ली है, अब हम लगाएंगे अपने मशीन में बॉबिन को। धागे को देखिए इस तरह से बाहर लेंगे, और बॉबिन को अंदर से हम लगाते हैं, तो एक टक सी आवाज़ आनी चाहिए। तो जो बॉबिन का हुक है उसे मशीन के हुक से इस तरह से सेट करें, एक टक सी आवाज़ आए तभी आपकी बॉबिन परफेक्ट बैठेगी। तो देखिए हमारे जो मशीन की बॉबिन है वो परफेक्ट एकदम सेट हो चुकी है। अब हम ऊपर का धागा डालेंगे। तो पहले बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे इस तरह से। तो हमने धागा अच्छे से डाल लिया है इस तरह से, अब हम यहाँ से चिपलाएंगे धागे को, बिल्कुल बढ़िया धागा हमारा चला गया। और फिर नीचे से लाके धागे को हम यहाँ पर डालेंगे इस तरह से, देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर ये नीचे का लास्ट, और फिर अब हम धागा डालेंगे।
इसके एजेस को कट कर लें, कैंची से कट कर लें, या फिर धागे पर फेविकोल वगैरह लगा कर बराबर कर लें, तभी भी धागा बहुत आसानी से सुई में चला जाता है। देखिए अब हम बाबिन का धागा बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए आसानी से धागा बाहर आ गया है, अब हम कैंची से कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर पिंक धागा यूज़ किया है, तो हम ऐसा फैब्रिक लेंगे यानी कपड़ा लेंगे जिस पर हमारा धागा हाईलाइट हो सके, अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर हमने एक मटमैली कलर का कपड़ा लिया है, इस पर मशीन चलाएंगे हम। देखिए इस तरह से हम मशीन को चलाना शुरू करेंगे, तो जो बॉबिन केस का ये ढक्कन है तो ये बार बार गिर रहा है क्योंकि इस मशीन का नहीं है, दूसरी मशीन का। ये देखिए फिर गिर गया। तो बहरहाल हमें यहाँ पर सिलाई सीखनी है, इस बार का ध्यान नहीं देना है क्योंकि आप देखिए कैसे सिलाई आई, इतनी बढ़िया दोनों तरफ से सिलाई आ गई है, बॉबिन की साइड से भी और फ्रेम की साइड से भी। तो आप देखिए अभी छोटी सिलाई आई है, और अगर हम बड़ी सिलाई करना चाहें हमें क्या करना होगा आइए बताते हैं। क्योंकि जब शुरू में कच्चा वगैरह सिलाई लगाते हैं तो हमें बड़ी सिलाई की ज़रूरत पड़ती है। ये है इसे आप ऊपर करेंगे तो आपकी सिलाई जो है बारीक आएगी, नीचे करेंगे तो आपकी सिलाई बड़ी आएगी, ऊपर कर लेंगे बहुत ही बारीक आएगी। तो इसलिए मैं बीच में रखती हूँ, मुझे मीडियम सिलाई चाहिए रहती है। तो अब मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ कि किस तरह से हम बड़ी सिलाई लगा सकते हैं। तो देखो हमारी जो सिलाई है ये सेंटर पर है, अब हम इसको बिल्कुल किनारे करेंगे, सिलाई जो हमें बड़ी सिलाई चाहिए वो हम किनारे लगाएंगे इस तरह से। इसका धागा तोड़ लेंगे अब हम सिलाई लगाने के बाद। तो इसे हम बाहर निकाल कर सीजर से कट कर लेंगे, हमारी बड़ी सिलाई अच्छे से आ चुकी है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ हमारी बड़ी सिलाई कितनी अच्छी आई है। ये देखिए हमारी बड़ी सिलाई आ गई है। तो बड़ी सिलाई से आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपको अगर सिलाई खोलनी है तो बहुत ही आसानी से सिलाई खुल जाती है। तो आज हमने आपको बताया कि कपड़े पर कैसे सिलाई चलाएंगे, और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे भी हेल्प हो सके। तो बाय बाय एंड टेक केयर।